This is an ABP Life podcast. बिहार में एनडीए की तरफ से सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। एनडीए चुनावी तैयारियों में लग चुका है, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी तक चीजें बहुत साफ साफ नहीं आ रही हैं। पप्पू यादव एक अच्छे नेता माने जाते हैं सीमांचल के, उनका कई सीटों पर असर भी दिखता है जी। और वह कांग्रेस आए थे ज्वाइन करने, ज्वाइन किया उन्होंने, लेकिन राजद ने वहां से बीमा भारती को टिकट दे दिया है, ऐसा बीमा भारती का दावा है। इन सारे मसलों पर बात करेंगे हम। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ शशि शेखर जी, स्वागत है आपका जी। धन्यवाद। क्या हो गया पप्पू यादव के साथ, आप लोगों की भाषा में कहें तो खेला हो गया? देखिए, निश्चित तौर पे जो दिख रहा है वो तो खेला ही है, क्योंकि पप्पू यादव ने सिर्फ कांग्रेस ज्वाइन किए हैं बल्कि उन्होंने अपनी पार्टी का विलय भी कांग्रेस में कर दिया है। और पिछले करीब काफी लंबे समय से वो पूर्णिया में तैयारी कर रहे थे और उनके लिए बहुत सारे बच्चे जो है वो काम भी कर रहे थे वहां पे, आईटी के लोग और जो स्ट्रेटजी के बनाने वाले लोग होते हैं वो सब काम कर रहे थे। तो तकरीबन ये तय था कि कांग्रेस से उनको वहां टिकट मिलेगा, लेकिन इस बीच बीमा भारती जेडीयू से इस्तीफा देकर आ गई और उनका फिर दावा है, जो कल जो तस्वीर आई है, इससे पहले तस्वीर आई थी जब उन्होंने राजद की सदस्यता ग्रहण की थी तेजस्वी यादव के हाथों, और कल एक तस्वीर आई है जिसमें वो सिंबल लेती हुई दिख रही है पूर्णिया सीट से। हालांकि कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि वो पुरानी तस्वीर है, पुरानी तस्वीर मतलब एक दो दिन पुरानी तस्वीर है, और ये था कि इसको अभी छुपा के रखना है जब तक कि पूर्णिया सीट पर कांग्रेस से बात नहीं हो जाती है। लेकिन अब कांग्रेस जो खबर आ रही है उसमें यह है कि कांग्रेस को 9 सीटें मिल रही है आरजेडी की तरफ से महागठबंधन में, और 26 सीटें राजद ने खुद अपने पास रखी है और 5 सीटें लेफ्ट को मिल रही है। इसके बाद भी अभी भी आप देखेंगे तो वीआईपी एक मुकेश सहनी है, तो उनका भी मामला भी बचा हुआ है, उनको लेकर भी एक खींचतान जारी है कि उनको कितनी सीटें दी जाए, कौन कौन सी सीटें दी जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो पूर्णिया को लेकर के है, और सबसे बड़ा पेच भी मुझे लगता है कि जो इंडिया गठबंधन की मजबूती को ढीला कर सकता है यह पेच, वो पूर्णिया की सीट है। अगर पूर्णिया की सीट कांग्रेस महागठबंधन की तरफ से पप्पू यादव को नहीं दी जाती है तो यह सीधे सीधे धोखा माना जाएगा, माना जाना चाहिए, क्योंकि पप्पू यादव जरूर इसी एश्योरेंस पर उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया होगा कि कांग्रेस से उनको सपोर्ट मिलेगा। और मजेदार बात यह है कि वो जाकर लालू जी और तेजस्वी यादव से भी मिले थे जी, और बड़ा रेस्पेक्टेबल वर्ड्स में उन्होंने ट्विटर पर और फेसबुक पर उस मीटिंग के बारे में लिखा था। लेकिन अब ऐसी क्या शर्त लालू जी ने रखी, क्या मतलब उन्होंने कोई ऐसा न्योता दिया था कि तुम अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में करो या क्या करो, भगवान जाने, ये चीज क्लियर नहीं है। लेकिन ऐसी क्या शर्त थी, ऐसा क्या हो गया कि लालू जी को बीमा भारती को टिकट देना पड़ा, सिंबल देना पड़ा पप्पू यादव के खिलाफ, जबकि पप्पू यादव का वो गृह क्षेत्र है, वहां से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, हार चुके हैं, और उनका एक अच्छा खासा प्रभाव है। और पिछले एक छोटी सी खुन्नस तो रही होगी ना लालू प्रसाद के मन में, क्योंकि पप्पू यादव ने मधेपुरा में जो किया था वो तो उनको याद होगा ही। देखिए, खुन्नस की बात जब करेंगे तो बहुत सारी खुन्नस की बातें हैं, हर पार्टी के बीच कुछ न कुछ खुन्नस है, मतलब कांग्रेस को लेकर भी है, कांग्रेस आरजेडी के बीच भी है, आरजेडी का भी अन्य नेताओं से, जैसे आप बेगूसराय सीट को लेकर भी देखेंगे तो पिछले चुनाव में कन्हैया कुमार वहां से खड़े थे और वहां पर आरजेडी ने अपना कैंडिडेट उतारा था, इस बार वो सीट आरजेडी ने भाजपा को दे दिया है। तो सवाल ये नहीं है कि 5 साल पहले या कुछ समय पहले तक क्या खुन्नस थी आपकी किस से, सवाल ये है कि इंडिया अलायंस का जो गठन हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि हम 1-to-1 सीट पर चुनाव, मतलब हर सीट पर हम 1-to-1 फाइट करेंगे ताकि हम बीजेपी को टक्कर दे सके, यही इसका फॉर्मूला था। ऐसे में आप बिना किसी फाइनल डिसीजन के सिंबल बांट रहे हैं तो ये गठबंधन धर्म की मर्यादा का पालन नहीं कहा जाएगा। और दूसरी बात यह है, देखिए इसमें कांग्रेस की भी गलती है, कांग्रेस की गलती यह है कि कांग्रेस के पास एक ऐसे अध्यक्ष है
जो लालू यादव के कृपा से राज्यसभा पहुंचे थे जी। अब ऐसे लोग लालू यादव जैसे दिग्गज नेता के साथ किस तरह से मोल भाव करेंगे, मोल तोल करेंगे, मुझे तो बड़ी शंका लगती है इसमें जी। तो ये स्थिति जो बन रही है इस वक्त पूर्णिया को लेकर के या कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस को तो चलिए फिर भी 9 सीटें है, लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस को वो सीटें छोड़नी पड़ रही है जहां मात्र 22,000 वाल्मीकि नगर की सीट है, मात्र 22,000 वोटों से उसका कैंडिडेट हारा था, वो सीटें उनको छोड़नी पड़ रही है जी। तो इसका इसका अर्थ है कि आप ठीक से तोल मोल भाव नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो आपके प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो लालू यादव के सामने सीनियरिटी में या उस लेवल पर कहीं टिकते नहीं है जी। जी सवाल यहाँ ये भी उठता है कि इंडिया गठबंधन में गठबंधन को लेकर कई सारी गांठ है, बिहार ही नहीं, थोड़ा सा विषयांतर होगा लेकिन महाराष्ट्र में भी गांठ नहीं सुलझ पा रही है, दक्षिण का अभी तक पता नहीं चला है। तो ये कहीं ना कहीं आपने पहले भी कहा कि कांग्रेस की गलती है या कांग्रेस को समझने में दिक्कत हो रही है, बिहार के संदर्भ में इसको देखें तो 9 सीटें अगर कांग्रेस को मिली हैं जिसमें 8 उसने साबित घोषित कर दी हैं जी, एक सीट और घोषित होना है, एक अभी बाकी है। पप्पू यादव के संदर्भ में इसको कैसे देखेंगे हम लोग? देखिए उम्मीद की जानी चाहिए कि अंतिम समय तक इसको सॉर्ट आउट करेगी कांग्रेस और आरजेडी मिलकर, अगर नहीं कर पाती है तो ये पप्पू यादव के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा और मुझे पूरा भरोसा है कि वो पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, वो लड़ेंगे वहां क्योंकि उनकी तैयारी है वहां पे। आपने जो बात कही इंडिया अलायंस में जो नेशनल लेवल पर जो पेच फंसा हुआ है उसकी एक बड़ी वजह मैं फिर से कहता हूँ कि कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस में जो राहुल गांधी है उनको शुरू से ओबीसी कास्ट सेंसस और रिजर्वेशन का जो मुद्दा बिहार से निकला था उनको लगा कि ये मतलब उनके हाथ अलादीन का चिराग लग गया है, जिसके बाद उन्होंने मतलब इंडिया अलायंस के एक तरह से की संकल्पना करने वाले नेता, फाउंडर नेता नीतीश कुमार को दरकिनार करना शुरू किया और वहां से इंडिया गठबंधन टूटता चला गया। वही हाल आज इस वक्त अगर आप बिहार में देखेंगे तो राजद गठबंधन, माफ कीजिए राजद जो है, राजद का जो मतलब अभी जो महागठबंधन है उसमें आज तक सीटें कन्फर्म नहीं हो पाना, ये बात बताता है कि कहीं ना कहीं आपका जो कांग्रेस और राजद के बीच या बाकी दलों के बीच जो सीटों की शेयरिंग की जो बात थी वो ठीक से नहीं हो पा रही है। और इसकी वजह ये है कि कांग्रेस का विजन क्लियर नहीं है इस मामले में जी। कांग्रेस को लगता है कि हमने जो 2 मुद्दे ले लिए हैं बिहार के मार्फत वो हमारी नैया पार लगा देंगे, जो कि फेल साबित हो चुका है पिछले 3 विधानसभा चुनावों में, बावजूद इसके वो इसी पर अड़े हुए हैं, जिसका नतीजा पश्चिम बंगाल में दिख रहा है कि वहां पे ममता जी पूरा का पूरा सीट वो लड़ रही है, जिसका नतीजा आपको यूपी में दिख रहा है कि जहां पे उनके पुराने साथी जो थे वो छिटक गए, जयंत चौधरी हो या बसपा की जो मायावती है उनको वो लोग साथ नहीं ला पाए, इवन चंद्रशेखर रावण तक का साथ ही लोग नहीं ले पाए अपने साथ। तो एक बिखराव की स्थिति तो है इंडिया गठबंधन में और इसके लिए जिम्मेदार निश्चित तौर पे अगर हम नीतीश कुमार से ज्यादा कांग्रेस को मानते हैं, क्योंकि वो बड़े भाई की भूमिका में थे, बड़ी पार्टी थी, उसको ज्यादा बड़ा दायित्व निभाना था, वो नहीं निभा सके, जो यूनिटी को बरकरार रखने की बड़ी जिम्मेवारी थी वो कांग्रेस के ऊपर थी। एक आखिरी सवाल जल्दी से हम लोग राउंड अप में लेंगे, बिहार में क्या देख रहे हैं अभी जब गठबंधन में ठीक से मामला सुलझ नहीं रहा है, राजद अपनी राह पर है, कांग्रेस अपनी राह पर है, इस बीच इस तरह के जो लोग हैं जैसे पप्पू यादव हो गए जिन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर लिया, या फिर सहनी है, मुकेश सहनी है, या फिर छोटे छोटे एकाध और खिलाड़ी हैं, इन सब के संदर्भ में क्या भविष्य है? देखिए हम लोगों ने पहले भी बात की कि बिहार में राजद को कम से कम ये सीख भाजपा से लेनी चाहिए कि छोटे दलों की क्या अहमियत होती है, और हर जगह जैसे पप्पू यादव को आप सिर्फ एक सिंगल नेता मानकर मत चलिए, वो
पिछले 5 सालों में बिहार में जिस तरह की राजनीति उन्होंने की है उनका अपना एक असर है, वो कितना वोट में तब्दील होता है एक अलग मसला है, लेकिन अगर वो एक बड़े गठबंधन के सदस्य बनते, सहयोगी बनते, तो निश्चित तौर पर महागठबंधन को इसका फायदा मिलता। लेकिन जो स्थिति महागठबंधन की पिछले 3 महीने में थी, जो मजबूत स्थिति थी, आज इस टिकट बंटवारे के लालच के कारण वो स्थिति कमजोर होती हुई दिख रही है। और इसके पीछे क्या वजह है जी? एक वजह तो मुझे लगता है कि लालच है, दूसरी वजह राजनीतिक हो सकती है जिसके कुछ अंदरूनी कारण हो सकते हैं जी। मैं उस पर अभी खुलकर ये नहीं कहूंगा कि कहीं कोई पैक्ट है या ये है, लेकिन जिस तरीके से गैर जिम्मेवार तरीके से बड़े राजनीतिक दल बिहार के विपक्ष के पेश आ रहे हैं, वो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि बार बार हम लोग भी ये कह रहे हैं, सब लोग ये कहते हैं कि विधानसभा चुनाव के मसले अलग होते हैं, लोकसभा चुनाव के मसले अलग होते हैं। लोकसभा में भाजपा को अगर आपको शिकस्त देनी है, लड़ाई देनी है, तो मिलजुल कर ही देना पड़ेगा, जो 1-to-1 फाइट का फॉर्मूला था, लेकिन अब आप वो कर नहीं रहे हैं जी, तो इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा जी। यही दिख रहा है बिहार में इस वक्त जी। बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी, आपने हमसे विस्तार से बात की इसके लिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दिस इज एन ABP लाइव पॉडकास्ट।